हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू ग्रो एंड शाइन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिसाइट एंड अंडरस्टैंड द पोम द सोलिट्री रीपर ऑफ क्लास एट फ्रॉम रत्ना सागर फोकस इंग्लिश सो दिस पोम द सोलिट्री रीपर इज रिटन बाय विलियम वर्सवर्थ विलियम वर्सवर्थ एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे जो भाषा में सबसे अधिक पढ़ने पढ़े जाने वाले पोइट्स में से एक थे विलियम वर्सवर्थ की जो पोम्स हुआ करती थी वो नेचर को एक्सप्लोर करने और ह्यूमन बींग के साथ उसके संबंध को दिखाए जाने वाले पोम्स हुआ करते थे और जो वर्ड्स वर्ड थे उन्होंने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम लोगों के जीवन को भी चित्रित करने वाली कविताएं लिखी थीं तो so, आइए उनकी इस पोम द सोलिट्री रिपर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं पढ़कर बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सॉलिट्री हाईलैंड लास रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हर उसे देखो मैदान में अकेली वो अकेले हाईलैंड लास कटाई कर रही है और खुद गा रही है स्टॉप हेयर और जेंटली पास अलॉन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रीन एंड सिंग अ मेलनकली स्ट्रीन यहाँ रुकें या धीरे से गुजर जाएं। वो अकेली ही अनाज काटती है और बांधती है और उदास स्वर में गाती है ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड अरे सुनो क्योंकि गहरी घाटी ध्वनि से उमड़ रही है बीहोल हर सिंगल इन द फील्ड योन सॉलिटरी हाईलैंड लाज रिपिंग एंड सिंगर बाई हर सेल्फ स्टॉप हेयर और जेंटली पास एलॉन्शी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलिनकली स्ट्रेन और लिसन फॉर द व्हीलफाउ प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड इस पोम के फर्स्ट स्टैंडर में हमारे जो पोइट हैं वर्ड्स वर्थ वो एक यंग लेडी के गाने का जो मेजिकल इफेक्ट है वो एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं और वर्ड्स वर्थ हमारा जो है अटेंशन पे करते हैं एक यंग लेडी की तरफ जो खेत में अकेले फसल की कटाई करती है और गाती भी जाती है साथ में और यहाँ पर पोइट जो है राहगीरों से कहते हैं कि यहाँ रुकें या तो और यहाँ रुक करके उसके गाने को सुने या फिर उसके गायन में बाधा बाधा डाले बिना ही वहाँ से चुपचाप चले जाएं और जो वो यंग लड़की है वो अनाज काटती है और उसको साथ में बांधती जाती है और एक उदास संगीत गाती है जो अपने आस की घाटी को में गूंजता हुआ प्रतीत होता है और जो वहाँ की घाटी है वो बहुत ज़्यादा डीप है इस स्टैंड में जो फर्स्ट वर्ड है हमारा योन इसका मतलब है दैट ये ओल्ड वर्जन है और इंग्लिश का ठीक है और हाईलैंड लास्ट का मतलब है ये स्कॉटलैंड की जो लेडी हुआ करती थी उसको हाईलैंड लास्ट भी बोला करते थे ठीक है इसके बाद मेलनकली स्ट्रेन का मतलब हो गया ये कि एक उदासी भरा गाना और वेल प्रोफाउंड का मतलब हो गया लार्ज और डीप वैली यानी कि गहरी घाटी नो नाइनटिंग गेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ़ ट्रेवलर्स इन समेरी हॉन्ट अमंग अरेबियन सेंट्स यहाँ अरेबियन डेजर्ट की बात हो रही है तो अरब की जो रेत है उसके बीच में एक छायादार स्थान पर या जगह पर जो ट्रैवलर्स हैं थके हुए उनके उनके ग्रुप के लिए कभी किसी बुलबुल बुल ने किसी नाइटेंगेल ने कभी इतना सुंदर स्वर स्वर नहीं गाया था और आगे बोल रहे हैं अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हाइब्रिडीज़ और वसंत ऋतु में कोयल की कोयल जो पक्षी होती है इसकी इतनी रोमांचकारी आवाज़ कभी नहीं सुनी गई जो सबसे दूर स्थित जो हाइब्रिडीज़ है इसके बीच समुद्र की खामोशी को तोड़ रही थी नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू व्य बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अवरेबियन सेंड्स अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हाइब्रिडीज़ इस सेकंड स्टैंडर में हमारे पोइट विलियम वर्थ, वर्थ ने जो लड़की का गाना है उसका कंपेरिजन करते हैं वो अरब में जो अरब अरेबियन डेजर्ट में जो गा रही होती है कोकिला यानी कोयल उसके गाने से कंपेयर करते हैं उस लड़की के गाने को और वो कहते हैं कि कोई भी जो कोकिला है या नाइटिंगेल की बात हो रही है बस यहाँ पर कि वो कहते हैं कि कोई भी नाइटिंगेल जो है थके हुए यात्रियों के लिए ट्रैवलर्स के लिए उस गीत से अधिक स्वागतम तो या सुखदायक गीत नहीं गा सकती जो वो लड़की गा रही है और वसंत ऋतु में सुनाई देने वाली कोयल समुद्र की खामोशी को तोड़ती है लेकिन लड़की का गाना कहीं ज़्यादा लुभावना है यहाँ चौंट का मतलब है चैंट चैंट को ही चौंट यहाँ पे लिखा गया है यूजुअली चैंट ही होता है और चैंट का मतलब होता है मंत्र या कोई मतलब मंत्र गाना या उच्चारण करना ठीक है वियरी बैंड का मतलब होता है थके हुए Uh, यात्री या फिर लोग लोगों का ग्रुप जो होता है वो थका हुआ जो होता है ठीक है वेरी बैंड्स और शेरी हॉर्न का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ी छाया वगैरह पड़ती हो यूजली ट्रीज की छाया पड़ती है ट्रैवलर्स के लिए ना और नेक्स्ट है हमारा अरेबियन सेंड्स यानी कि अरेबियन डेजर्ट की बात हो रही है रेगिस्तान और हाइब्रिडीज का मतलब हो गया जो आइलैंड्स होते हैं आइलैंड्स का ग्रुप होता है स्कॉटलैंड के लिए बेसिकली यूज़ हो रहा है यहाँ पर ये विल नो वन टेल मी वॉच शी सिंग्स पर हैव द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड एंड हैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गाती हैं शायद ये सैड सॉन्ग का जो फ्लो है वो किसी पुराने दुखी बहुत दूर की चीज़ों या बहुत पहले पुरानी लड़ाइयों या बैटल्स यानि युद्ध के लिए है और इज इट्स सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे सम नेचुरल सोर और लॉस और पेन देट हैज़ बिन एंड मे बी अगेन क्या ये रोजाना गाए जाने वाली छोटी छोटी बहुत सी कविताएं हैं या फिर आज का कोई फैमिलियर मैटर है यानी जाना पहचाना कोई मामला है या कुछ नेचुरल प्राकृतिक दुख हानि या पीड़ा है जो अभी तक थी और शायद आगे भी हो सकती हैं फिर से विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स पर हैव द प्रेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड एंडी फार फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो इज इट सम मोर हम्बलली फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे सम नेचुर लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन इस थर्ड स्टैंडर में हमारे जो पॉइट हैं वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कोई उनको बता सकता है कि वो जो लेडी है यंग गर्ल है वो किस बारे में गा रही है और वो कहते हैं कि उसकी उदासी का जो कारण है वो सिर्फ उसका अनुमान लगा सकते हैं कि उसका जो धुन है उसके गाने का जो धुन है वो अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है वो पिछले दुर्भाग्य या पुरानी लड़ाई के बारे में हो सकता है और उनको आश्चर्य होता है कि क्या ये जो गीत है ये जो उसका सैड सॉन्ग है वो जुगारी है इसके बजाय वो एक बहुत ही नॉर्मल और परिचित मामले के बारे में भी हो सकता है क्या जैसे कि कुछ प्राकृतिक नाखुशी हानि जैसे कहीं लॉस हो गया हो और दर्द जो लोगों ने अनुभव किया है और वो फिर से कर सकते हैं वो इस तरीके से सिर्फ अनुमान लगाते हैं और अपना जो है उसके गीत के बारे में आशंका जताते हैं वट एवर द थीम द मैडन सेंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल पेंडिंग जो भी थीम हो जो भी विषय या सब्जेक्ट हो जो उस लेडी ने उस मैडम ने उस युवती ने गाया जैसे कि उसका गाना कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता था और उसको मैंने उसके सिकल पे यानी कि उसके हंसवे पे झुकते हुए और उसके काम पर गाते हुए उसको देखा आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज़ आई माउंटेड अप दिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर और जैसे मैं वो उसका गाना सुनता रहा बिल्कुल निश्चल और स्थिर यानी कि बिल्कुल ही चुपचाप से और मौन होकर के और जैसे जैसे मैं पहाड़ी पर चढ़ता गया मेरे दिल में उसका जो गाना था उसकी जो संगीत था वो समाता गया और बहुत समय बाद भी वो संगीत मुझे सुनाई नहीं दिया वट एवर द थीम द मैट सेंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैो एंडिंग आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क And over the sickle bending, I listened motionless and still. And as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. यहाँ वो जो लड़की है जो यंग लेडी है वो जिस भी बारे में गा रही है होती है वो ऐसे गाती है जैसे कि उसका गाना कभी ख़त्म नहीं होने वाला या उसका कोई अंत ही ना हो यानी उसका असर जो है वो हमेशा रहता है और यहाँ पे जो हमारे पोइट है वो बिना हिले डुले बहुत ही शांति से खड़े होकर के चुपचाप से उसका गाना सुनते हैं और फिर जैसे ही वो पहाड़ी पर चढ़ते हैं भले ही वह अब गाना सुन नहीं पाते हैं बट उसका जो संगीत था वो उसके दिल में हमेशा ही रहता है लेट्स अंडरस्टैंड द पोम नाउ एक्सरसाइज ए डिस्क्राइब वॉट दीज लाइन्स फ्रॉम द पोम मीन्स पोएम से जो ये लाइन दी गई है इसका मतलब आपको यहाँ डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है लाइन्स है हमारी पर हैव प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड एनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो आंसर इन द गि लाइन्स द पोइट स्पेक्युलेट्स अबाउट द आंसर टू हिस क्वेश्चन दी गई लाइन्स में पोयट अपने ही सवाल का जवाब जो है वो तलाशते हैं और आशंकित करते हुए सोचते हैं कहते हैं ही सेज दैट पर सॉलिटरी रेपर्स सॉन्ग्स टॉक्स टॉक्स ऑफ सम ओल्ड एनहैप्पी टेल्स फ्रॉम द पास्ट और ऑफ बैटल्स दैट वर्क आउट अ लॉन्ग टाइम अगो कि शायद जो सॉलिटरी रेपर है रेपर का मतलब होता है जो कटाई करता है खेत वगैरह में ठीक है और सॉलिटरी का मतलब जो अकेले तो यहाँ पर कौन थी सॉलिटरी रेपर हमारी जो लेडी थी पोम में ठीक है तो क्या देखिए उसका जो सॉन्ग था वो शायद बात करता है किसी पुराने नाखुश कहानी के बारे में जो पास्ट में गुजर चुका है है ना अनहैप्पी किसी घटना के बारे में शायद उसके जो सॉन्ग्स हैं वो बात करते हैं और या फिर किसी युद्ध के बारे में किसी बैटल के बारे में जो बहुत ही लंबे टाइम पहले लड़ा गया हो सेकेंड हमारा लाइन uh, दिया गया है यहाँ पर और इज इट सम मोर हम्बलली फेमिलियर मैटर्स ऑफ टूडे सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन दैट हैज़ बिन एंड मे बी अगेन इन दीज लाइन्स इन लाइन्स में द पोइट कंटिन्यूज टू वंडर अबाउट वॉट द सॉलिटरी रीपर इज सिंगिंग अबाउट जो हमारे पोइट हैं वो अभी भी बहुत आश्चर्य होते चकित होते हैं सॉलिटरी रीपर के गाने के बारे में कि वो आखिर क्या गा रही थी सरमाइज इज दैट हर सॉन्ग कुड बी ऑल्सो अबाउट सम मंडेन एंड familiar sorrows ऑफ एवरीडे लाइफ maybe बी अबाउट पेन एंड लॉस इन हर life लाइफ और इन lives लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी फॉक्स लाइक हर और वो इसी में अनुमान लगाते हैं उसके गाने गाने के बारे में गीत के बारे में कि शायद वो या तो खुद के लिए या फिर अपने जैसे ही और ऑर्डिनरी फॉक्स जो थे अपने जैसे ही लोगों के लाइफ्स के बारे में हैं जो अपनी डेली दिनचर्या में जो है बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं और उनके दुख और पीड़ा को वो व्यक्त कर रही है अपने गानों से द सॉन्ग कुड बी अबाउट सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एवरीवेयर एंड दैट हैज़ हैपन अर्लियर एंड में बी हैपन अगेन और शायद ये गाना हो सकता है कि किसी प्राकृतिक दुख या पीड़ा या फिर किसी हानि के कारण हो जो हर जगह लाइफ में अक्सर घटता है और लाइफ का पार्ट होता है जो पहले भी कई बार हो चुका है और शायद दोबारा कहीं हो सकता है एक्सरसाइज बी आंसर दीज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन वेर इज द यंग वुमेन वॉट इज शी डूइंग यंग वुमेन कहाँ है और वो क्या कर रही हैं आंसर द यंग वुमेन इज इन अ फील्ड रीपिंग ग्रेन एंड सिंगिंग टू हर सेल्फ अ मोनफुल सॉन्ग यंग वुमेन जो है फील्ड में है और वो कटाई कर रही है ग्रेन की अनाज की और खुद में ही गाना गा रही है एक बहुत ही ज़्यादा सैड सॉन्ग क्वेश्चन नंबर टू वट इज़ द मूड ऑफ द सॉन्ग दैट द सॉलिट्री रीपर इज सिंगिंग जो सॉलिटरी रीपर गाना गा रही थी उसका कैसा मूड था मतलब कि वो गाना किस तरीके का था एंड वॉट वॉट इज इट्स इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग वैली और उस गाने का उस वैली पे उस घाटी पर उसके आसपास क्या इफेक्ट पड़ता है क्या प्रभाव पड़ता है आंसर द मूड ऑफ द सॉन्ग दैट द सॉलिटरी रीपर इज सिंगिंग इज मेलनकली जो सॉलिटरी रीपर गाना गाई थी वो एक मेलनकली सॉन्ग था यानी कि बहुत ही दुख भरा या बहुत ही ज़्यादा पीड़ा शो करने वाला एक गाना था ठीक है द सराउंडिंग वैली इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड ऑफ द गर्ल्स सॉन्ग और जो घाटी थी जो वैली थी वो पूरे की पूरी गूंज उठी थी उस लड़की के गाने से क्वेश्चन नंबर थ्री इन द सेकेंड स्टेंजर दूसरे स्टेंजर में द पोइट ड्रॉज टू कम टू ब्रिंग आउट द ब्यूटी ऑफ द सॉलिटरी रीपर्स सॉन्ग डिस्क्राइब द कंपेरिजन्स यहाँ पर बोला गया है कि जो सेकेंड स्टेंजर है इसमें जो पोइट है हमारे वो दो जगह तुलना करते हैं सॉलिटरी रिपर के गाने का उसकी ब्यूटी को और ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए निखारने के लिए तो वो दोनों कंपेरिजन आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है आंसर इन द सेकेंड स्टैंडर द पॉइट कंपेयर्स द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रिपर टू दैट ऑफ द नाइट नाइटेंगेल एंड द कुकू यहाँ सेकेंड स्टैंडर में पोइट ने जो कंपेयर किया था सॉन्ग को सॉलिटरी रिपर के वो नाइट नाइटेंगेल और कुकू से के गाने से किया था ही सेज दैट नोट नाइटेंगेल हैड एवर संग अ सॉन्ग सो सूदिंग टू द टायर्ड ग्रुप्स ऑफ ट्रेवलर्स एज दे रेस्टेड अंडर सम शेल्टर इन द अरेबियन डेजर्ट और अरेबियन सैंड और वह यहाँ कहते हैं कि जो नाइटिंगेल है उसने कभी इतना स्वदिंग इतना ज़्यादा खूबसूरत गाना कभी नहीं गाया था उन ट्रैवलर्स के लिए उन यात्रियों के लिए जो अरेबियन डेजर्ट में अरेबियन सैंड में जो है थक करके रेस्ट करने आते थे ही फर्दर सीज दैट द वॉइस ऑफ द सॉलिटरी रिपर इज मोर थ्रिलिंग इवन द वॉइस ऑफ द कुकू एज इट सिंग्स इन स्प्रिंग ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज़ अमंग द स्कॉटिश आइलैंड और पोइट यहाँ पर सॉलिटरी रिपर की आवाज़ को कंपेयर करते हैं कोयल की आवाज़ से और कहते हैं कि कोकों की आवाज़ जो है जो वसंत ऋतु में गाती है आ, कोयले तो उनकी आवाज़ से भी कहीं ज़्यादा थ्रिलिंग है कहीं ज़्यादा मनमोहक और खूबसूरत है आ, उस रीपर की आवाज़ जो स्कॉटिश आइलैंड में जो है समुद्र की खामोशी को तोड़ती है क्वेश्चन नंबर फोर What इफेक्ट डज द solitary रीपर सॉन्ग हैव ऑन द पोइट पोइट पर सॉलिट्री रीपर के गाने का क्या प्रभाव पड़ा तो पहले में पहले सिचुएशन है जब वो गाना उसका सुन रहा था वाइल ही इज लिस्निंग टू इट और सेकेंड जो सिचुएशन है लॉन्ग आफ्टर ही कैन हीयर इट नो मोर और जब वो बहुत देर के बाद जब वो उसको नहीं सुन पा रहा था तब उसके ऊपर उस गाने का क्या प्रभाव था आंसर वाइल लिस्निंग टू द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रीपर द पोइट इज कैप्टिवेटेड एंड डीपली मूवड बाय द स्ट्रेंज मोनफुल music of it he stands motionless and still and wonders what the song could mean जब जो पोइट है वो हमारा गाना जब गाना सुनता है सॉलिट्री डिप का तो वो बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वो वहाँ से मूव भी नहीं करता और वो उसका जो दुख भरा म्यूज़िक है धुन होता है वो बिल्कुल मोशनलेस होकर के खड़ा होकर के सुनने लग जाता है बिल्कुल हिलता रुलता नहीं है वहाँ पर और बिल्कुल मौन होकर के सुनता है और उसको आश्चर्य होता है कि आखिर उस गाने का क्या मतलब था सेकेंड का आंसर है इवन आफ्टर ही कैन नो लॉन्गर हेयर द सॉन्ग ही कैरीज इट्स म्यूजिक इन हिज हार्ट और जब बहुत लंबे समय बाद भी वो गाना नहीं सुन पा रहा था तब भी उसके मन में वो गाना समाया हुआ था और उसका जो म्यूजिक है धुने उसके दिल में था एक्सरसाइज सी थिंक एंड आंसर क्वेश्चन है वट यू थिंक लाइन फ्रॉम द पोम मीन्स एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग आंसर By this line, the poet probably means that the song of the solitary reaper seemed to have no ending to it. As she kept on singing the song while she worked, it, also, it could also be the, that the song seemed an everlasting song of life that spoke of trial and pain and sorrow, which are a never ending part of life. तो दैट ऑल फॉर इन दिस वीडियो आई होप कि ये सॉल्यूशन और ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग